गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में और मैं भगा रहा हूँ बंदर पटो मर जी रहो भुट्टो तुम शिलम थे जी भगाड़ जी बैठ लायो हाय के पद तो बुगया हो गई हूँ तो मैं दादुल धरो जी मेरे को काटी दुला आज शाले के देखी जाए यो हो संदीप का लॉक बिना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला इंटरेस्टिंग मूड में दोस्तों नमस्कार पहला प्रणाम तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ मस्त हूँ और कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ तो दोस्तों आपके भाई ने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है फिर अभी मैं आपको मौसम की अपडेट देता हूँ कि आज ना बारिश हो सकती है बट कन्फर्म नहीं है कि हो ही जाएगी क्योंकि इस बीच ना मानसून बता रखा है उत्तराखंड में बट हमारा जनपद अल्मोड़ा है तो यहाँ बारिश थोड़ा कम होती है तो कुछ पता नहीं तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ ना आज के मौसम की ओर तो मौसम आप देख रहे हो उधर बादल बिल्कुल आ रहे हैं अभी आप देख रहे हो ना जो नैथना का मंदिर है तो नैथना के डान खानों में अभी हॉल लग रहा है फिर से दोबारा और हो सकता है कि बारिश आ जाए शाम तक कुछ कन्फर्म नहीं है बट अभी फिलहाल हम आते हैं घर की ओर और आपको दिखाते हैं पाली का प्यारा सा गाँव। तो दोस्तों मैं तो सो के उठ ही रहा था कि बाहर देखा मम्मी पापा लोग लौकी तोड़ के ले आए हैं क्योंकि ना आज सुबह सुबह बंदर आ गए हैं हमारे गांव में तो पापा लोगों ने कहा कि जो छोटी भी और की उनको भी तोड़ देते हैं। अब देख रहे हो बंदर ऐसे बैठे पड़े हैं ना तो वो सारा बर्बाद कर जाते हैं तो अभी फिर मम्मी पापा लोग देख रहे हैं पेड़ पर ना जो बेल है लौकी की कहीं कोई और हुई तो नहीं है अगर कोई हुई होगी तो उसको भी तोड़ लेते। दोस्तों नमस्कार आज का ब्लॉग ना कुछ इस टाइम पर सूट हो रहा है क्योंकि ना आज मॉर्निंग से जो था ना बंदरों का आतंक था तो अभी हम बंदर भगाने में ही हैं तो कुछ बंदर हमने उस एरिया में भगा दिए हैं मतलब दधाड़े के पौर चले गए और कुछ उस तुन के पेड़ में हैं और कुछ उस एरिया में है अभी बट लगभग ज़्यादा बंदर भाग चुके हैं कि कम से तू है। हाँ बाबू जी लगड़ियो फाइनली एक लौकी और की है तो उसको भी आपको दिखाते क्योंकि ना आज बंदर आ गए हैं सुबह सुबह तो बंदरों ने आतंक मचा रखा है तो ये और की थोड़ा मोटी तगड़ी और दो तो थोड़ा पतली हुई थी दातुल धरो जी मेरे को कैटी दुला शाल के देखी जाए भाई जी ने इसको थोड़ा उठाए नहीं जान फिर उठाए उठाए नहीं जान सब तो दोस्तों फिर गांव में भ्रमण कर रहे हैं ना क्योंकि बंदरों का आतंक इधर है तो देखते हैं अगर किसी छत में बैठे होंगे तो उनको नीचे को भगाएंगे। यो यो हाय 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 यो। तो दोस्तों फिलहाल इस एरिया से भी ना हमने नीचे को भगा दिए बंदर मतलब वो लास्ट मकान जो है विरोधा लोगों का वहाँ से नीचे को चले गए तो अब यहाँ से थोड़ा नीचे को भी देखते हैं और फिर एक घंतर उठाते हैं और फोड़ देते हैं इनका कबाव। तो दोस्तों पहाड़ों में ना एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है जिस दिन बंदर आ जाते हैं उस दिन कुछ ऐसा ही मनोरंजन भी हो जाता है कि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बंदरों को भगाते हैं बना रखाना क्या या। तो दगड़े फिलहाल आप मेरी हालत देख रहे हो मैं पसीने से पूरा तरबर हो चुका हूँ मतलब पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। है जिमी क्या हाल है तेरे जिमी ये जिमी बच्चे हेलो 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 कर नहीं करता यो या उठा पर लिया सालू का ही थे आएगी सब मुंह पर यो अब ये छत में किसे खो सब आमा डोम चैनल कहा अब उठा में बचा पड़ो या कितना नहीं था निशा मैडम के दिखा था पर शरदा लेसी हाथल नहीं लगाओ पर मत है अब ऐले दिखने नहीं रहो देखियो कागज में देखियो है ये अब सुबह पते लू तो दगड़ियों मैं बाखली बाखली होया इधर ताई जी लोगों का भी दिन का खाना बन रहा है तिना खाए बनाम के अब और मैं भगा रहा हूँ बंदर है बाकी बाकी घूम हो पैर अब यो हो कना जन जागरूकता अभियान फैलाना हो तब बनार बचैन साग पात नहीं खेलू ने? और यहाँ अम्मा के भी धुल चुके हैं कपड़े बिल्कुल बढ़िया तरीका और यह तौरिया हरी अम्मा में हाँ भाई थिजब खाना शीलम दिन में हम दुकानों में रहती है
तो दगड़ियो हमक पटो मर्जी रहो भुट्टो उमाई छो दोस्तों यह है खोबाखली तो इधर में अभी कोई नहीं है शायद दुकान पंजरी मगर मैं भुट्टे का आनंद लेते हुए संदीप का लॉक खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ यू यो हो फुरकी जल्दी आ भागा के ले क्या दोस्तों फाइनली मैं बंदर भागे ना घर में आ गया हूँ ये हमारा चाक तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं क्योंकि बाहर ना उमस टाइम में बहुत ज्यादा तगड़ी वाली गर्मी हो रही है क्योंकि मौसम में बादल तो है बट हवाएं नहीं है तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं घर पे आ गया हूँ अब थोड़ा सा लेते हैं नौले का ठंडा पानी और थोड़ा लेते हैं मट्ठा और उसमें मिलाते हैं पहाड़ी लहसुन वाला नमक और उसको पीते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो मैं बंदर भगाने में था तो अभी अभी ना ये थोड़ा सा जो जल विभाग के आदमी हैं ये यहाँ पर आ गए हैं तो हमारा जो ना गेटवाल था वो खराब हो रखा था ऊपर जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था तो आज हम गेटवाल जो है ना दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हमारी रोड है और जस्ट इसके ऊपर गेटवाल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर तो जिससे ना दिक्कत नहीं होगी कोई भी अगर आए रोड में घूमने के लिए तो वो आराम से पानी खोल सकता है तो ये देखिए यहाँ पर लग रहे हैं और यहाँ पर हमारे मेजदा भी हैं और साथ ही हमारे वहाँ पर गायना और हमारे सभी कर्मठ और जुझारू गांव के सभी यूथ संदीप और हेमू तो मज़े से हो रहा है भाई। तो दोस्तों फाइनली नहा के घर आ चुके हैं हम और पहुँचने ही वाले हैं तो इधर कद्दू की बेल देख रहे हो आप ताऊ जी की ये दोस्तों फाइनली अभी शाम के बजे हैं 6:30 और मैं आ गया हूँ घूमने के लिए सड़क में मतलब रोड में क्योंकि ना दिन तक हम ना बिजी थे वहाँ पर क्योंकि आज हमने ना अपना गेटवाल शिफ्ट किया पहले हमारा गेटवाल ना थोड़ा ऊपर था रोड से काफ़ी ऊपर तो अब हमने वो रोड लेवल पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि अगर कभी भी पानी की ज़रूरत हो तो किसी कोई भी आदमी खोल सकता है मतलब ऐसा है कि मैं जाऊँ तो मैं खोल सकता हूँ या कोई और जाए गाँव का तो वो भी खोल सकता है बुजुर्ग आदमी भी खोल सकता है क्योंकि नज़दीक शिफ्ट कर दिया है उससे पहले बहुत ज़्यादा ऊपर था तो अगर पानी खोलने जाना है तो काफ़ी दिक्कतें होती है नीचे से। फाइनली मौसम भी अभी ना खुल गया है धूप आ गई है आप देख रहे हो उस साइड में सूरज निकल चुका है क्योंकि शाम तक पूरा मौसम ना बारिश वाला बना था और दिन में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी बट अभी धूप आ गई टाइम भी ज़्यादा हो गया और ब्लॉग भी शूट नहीं हो सकता आगे का तो फिलहाल आज का ब्लॉग ना यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो लेकर के तो तब तक के लिए जय उत्तराखंड जय देवभूमि जय पावन पहाड़। तो दोस्तों अभी आपको एक खुशखबरी और बता देता हूँ जो नीचे की ग्राम सभा है ना तल्लापाली वहाँ पर ना यात्रा लगी हुई है मतलब 22 दिन की बैसी हो रही है लोग वहाँ भक्ति में बैठे हुए हैं तो मुझे अभी टाइम नहीं मिला नीचे जाने का मैं एक दिन गया था ओनली जिस दिन मतलब यात्रा की शुरुआत हुई थी उस दिन गया था मैं तो अभी मैं गया नहीं वहाँ का ब्लॉग भी मैंने शूट नहीं किया तो मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों में वहाँ का ब्लॉग शूट करता हूँ। बने रहिएगा बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली अगली वाली ठीक है तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय और अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो दोस्तों बाय बाय।